हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हो। गाइज, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, जैसे कि आपको पता है कि 1 जुलाई से, यानी कि कल से, ठीक है, आपका एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई का दोनों ग्रुप का फॉर्म आप कल से फिल करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो उनमें से क्या आप गलतियाँ करते हो फॉर्म फिल करने के टाइम पर, जिसकी वजह से आप रिजल्ट नहीं देख पाते हो? रिजल्ट देखते हुए तो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है आप लोगों को, ठीक है। तो उन सभी चीज़ों को कुछ इंस्ट्रक्शन मैं आपको दे रहा हूँ अकॉर्डिंग टू एयरफोर्स का जो PDF है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उन सभी चीज़ों को अगर अभी आप ध्यान में रखते हो और सभी मेरी बातों को ध्यान से समझते हो और वो सभी कमें करते हो, तो आपको फेज 1 से लेके अगर आप क्लियर कर जाते हो फेज 1, तो फेज 2 फेज 3 में भी काफ़ी आराम हो जाएगी, कोई परेशानियों का सामना करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और आपका रिजल्ट देखने में भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो गाइज, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो, आप जब भी फॉर्म फिल करते हो खुद से करो या फिर कैफे में जा कराओ, ठीक है। मैं लेकिन बोलूँगा कि कैफे में करा लो कि कोई परेशानी नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे जो है रूल्स को फॉलो करने होते हैं, फोटो का साइज मिलाना, ये सब है ना। तो ये सभी चीज़ें जो आपको परेशानी में डाल सकती है, तो आप अपने स्टडी फोकस करो, बाकी वो सभी चीज़ कैफ़े वाले फोकस, मतलब वो सभी छोड़ दो। बट हाँ, कैफ़े में जब भी आप फॉर्म फिल कराते हो, वो लोग अपने आसान या फिर काम आसान करने की वजह से आपसे कुछ ज़्यादा पूछते नहीं है, वो अपने अकॉर्डिंग काम कर देते हैं और ना ही लास्ट में आपको कुछ बताते हैं। कहने का मतलब, देखो भाई, जब भी आप फॉर्म को फिल करने जाते हो, ठीक है, मान लो सारा हमारा फॉर्म फिल हो जाता है, तो आपको पता है ना, ईमेल पे जरूरी से जरूरी जो आपका एक बार जो होता है सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड आता है, ठीक है। क्या आता है? सिस्टम जनरेटेड जो होता है आपका पासवर्ड आता है, कुछ XY23Z करके कुछ आता है, ठीक है, जब आप फॉर्म फिल कराते हो। एक चीज़ पहला इंस्ट्रक्शन ये ध्यान रखना, ये जब सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड आता है ना, तो वो वहाँ पे चेंज करना कंपलसरी होता है, बिकॉज आगे का प्रोसेस तभी कंप्लीट होकर पाओगे जब इस पासवर्ड को आप चेंज करोगे, है ना। तो कैफे वाले चेंज तो कर देते हैं बट आपसे बताते नहीं है, बिकॉज आप पूछते नहीं हो। तो गाइस, यहाँ पे ध्यान देना कि सिस्टम जनरेटेड जो पासवर्ड होता है ना, ये जब भी चेंज करोगे, आप खुद से करो या फिर किसी कैफे वाले से कराओ, ठीक है, तो 100% क्या करना, आपको लिख के रख लेना होगा या फिर ईमेल आईडी पे अपना सेव कर देना होगा, या फिर कहीं भी सेव कर दो, या फिर कुछ ऐसा पासवर्ड रखाओ जो आपकी आपको हमेशा याद रखे, ठीक है। और उस पासवर्ड में ध्यान देना, आपको जैसे इंग्लिश का अल्फ़ाबेट एक कैपिटल होगा, बाकी जैसे छोटा कुमार, एक ये जो कैरेक्टर होता है ना, @ ये सब चीज़, हर स्टार, इन सभी में से एक चीज़ को यूज़ करना होता है, ठीक है। फिर आपको मैथ के डिजिट यूज़ करने होते हैं, मतलब कुमार @1, 2, 3 ऐसे करके जनरली वो लोग पासवर्ड रख देते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही रखवाना अपने नाम का टाइटल से रिलेटेड जो कि आपको याद रह पाए, ठीक है, भूलना मत आप, जिसको भूल ना पाओ। पहला इंस्ट्रक्शन तो ये था, बिकॉज इस ये जब चेंज हो जाता है तो इसका पासवर्ड आपको जब नहीं पता रहता है तो आप रिजल्ट नहीं देख पाओगे, चाहे आप नाक रगड़ते रह जाओ, ठीक है। और उस टाइम सर्वर इतना बिजी हो जाता है एयरफोर्स की वेबसाइट का कि आप फॉरवर्ड पासवर्ड भी करो तो पासवर्ड चेंज नहीं हो पाता है, ठीक है। पहला इंस्ट्रक्शन ये था मेरी तरफ से। दूसरा इंस्ट्रक्शन क्या था गाइस? फोटो को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो फोटो को लेके क्या करना, आपकी पासपोर्ट साइज़ की जो गाइस फोटो होनी चाहिए वो तो कलर प्रिंट होती है, वो कैफे वाले भी बोलते हैं, ठीक है। बाकी जो साइज़ का प्रॉब्लम है वो आपके ऊपर नहीं है बल्कि उनके ऊपर है। लेकिन गाइस देखो, वो जो फोटो होती है वो देखना जून 2019 से पहले की नहीं होनी चाहिए। अब बोलोगे कि उन्हें पता कैसे चलेगा कब का है, तो पता चलवा देंगे वो लोग, पता चलेगा नहीं वो लोग पता चलवा देंगे। बिकॉज देखो, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि फोटो कैसे लेना होना चाहिए, कैंडिडेट होल्डिंग अ ब्लैक स्लेट इन फ्रंट ऑफ हिज चेस्ट विथ हिज नेम एंड डेट ऑफ फोटोग्राफ टेकन। गाइस देखो, आपके चेस्ट के ऊपर एक ब्लैक स्लेट रखना, ठीक है, स्लेट खरीद लेना या फिर स्टूडियो में रखा होता है, उस पर ब्लैक स्लेट होना चाहिए, उस पर वाइट जो चौक आता है ना उससे आपका नाम, ठीक है ना, और डेट ऑफ फोटोग्राफ होना चाहिए, आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं, किस दिन आप फोटो ले रहे हो वो होना चाहिए, तो इससे पता चल जाएगा ना कि आपका फोटो किस दिन का है, ठीक है। तो कोशिश करना कि जून के पहले का नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो मतलब आप आज या फिर कल में फोटोग्राफ्स लेते हो, जाहिर सी बात है कि आप या तो जून का दोगे अगर आज लेते हो, 30 जून है आज, तो या फिर नेक्स्ट डे करोगे तो आप जुलाई का डेट दोगे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि स्लेट लेना और उस पर आपको जैसा दिया हुआ है अपना ऊपर में नाम लिखवा देना, जैसे कि मेरा नाम है, जैसे मान लो कि आप पे स्लेट हुआ मेरे चेस्ट के ऊपर, तो मैंने अपना धीरज नाम लिख दिया, कुमार लिख दिया, ठीक है, क्या पूरा लिख दिया। और एक चीज़ ध्यान देना कि उसके बाद आपको क्या करना होगा, क्लियर होना चाहिए वो, और आपका नाम जो होना चाहिए वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए। ये नहीं कि मैंने जैसे धीरज लिखना तो मैंने डी लिख दिया फिर स्मॉल लिखना शुरू कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं। कैपिटल डी, कैपिटल एच, कैपिटल आर, जितना भी होगा कैपिटल, उसके बाद जस्ट नाम के नीचे जो है यहाँ पे होना चाहिए आपका, ये डेट होना चाहिए, ठीक है। जैसे कल मान लो कि आपका 1/7 फिर 2019, ठीक है, इस तरीके से आप दे सकते हो। चलो, ये दो चीज़ हो गई।
तो इसको ध्यान देना। और गाइस देखो, ये तो आपका सेकंड इंस्ट्रक्शन था, अब थर्ड नंबर ध्यान दो, मैंने हाईलाइट करके रखा है। हाँ, थर्ड नंबर हमारा क्या है कि ये देखो, जब आप फेज वन क्लियर कर लोगे ना, तो फेज टू में आपको जो फोटो आपने फेज वन में या फिर आप फॉर्म को जो रजिस्ट्रेशन कराने में, फॉर्म फिल करने में जो फोटो दिया है ना आपने, वही फोटो जो स्लेट लेके आपको खिंचवाया है फोटो को, तो वही के फोटो की 8 कॉपीज जो है फेज टू में आपको लेके जाने होते हैं, ठीक है। 8 फोटोग्राफ, सेम टू सेम फोटोग्राफ्स। तो अगर आप 2 या 3 फोटोग्राफ क्या कराते हो, आप लोग प्रिंट कराते हो, तो आपको फिर क्या करना होगा, उस फोटो से फिर फोटो बनवाना पड़ जाएगा बाद में, ठीक है। तो आपको फिर थोड़ा सा परेशानी हो जाएगी। सो गाइज, यहाँ पे आप लोग शुरू में 10 से 12 फोटोग्राफ प्रिंट करा लेना, बिकॉज देखो आप जो क्या करोगे, आपको 1-2 फोटो तो लेके जाना पड़ जाता है फेज़ वन के एग्ज़ाम दोगे तो, फोटो और आधार कार्ड लेके जाना होता है, ठीक है, फेज़ वन के एग्ज़ाम दोगे तो, ठीक है, जिसमें से एक फ़ोटो शायद वो लोग ले लेते हैं। फिर आपके पास 8 जो फोटोग्राफ्स होते हैं आपको फेज़ टू में लेके जाने होते हैं, तो उसके फोटोग्राफ्स कुछ अपने आपके पास बचा के भी रखना होता है हमें, ठीक है ना। तो कोशिश करना कम से कम 10 से 12 फोटो जो अपना प्रिंट कराना एक ही टाइम जो, ठीक है, आज या फिर जब भी आप फोटो खिंचवाने जाओ, तो कम से कम 10 से 12 फोटो कंप्लीट करा के निकलवाना उससे, जैसे मैंने इंस्ट्रक्शन में पढ़ के बताया आपको, ठीक है, बिकॉज आपको फेज़ टू में लेके जाने होते हैं। और एक काम करना, ये जो फोटो प्रिंट करवाने के साथ साथ इसे फिर क्या करना ना, अपने ईमेल आईडी पे भी अपलोड करके रखना इस फोटो को, बिकॉज अगर 8 फोटो तो आप लोग एक ही एनवेलप में या फिर लिफाफा में क्या करके रख देते हो घर पे कहीं, फिर आपको अचानक सडनली जब खोजने लगते हो ना, तो आपको जल्दीबाजी में दिमाग काम नहीं करता, मिलता नहीं है। बहुत बार पिछले बार स्टूडेंट्स जो है बार बार बोल रहे थे, सर मैं क्या करूँ, मेरा फोटोग्राफ कहीं खो गया है, ठीक है, तो वैसे कंडीशन में फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप एक काम करो कि उस फोटो कॉपी, उस फोटोग्राफ को जो आप खिंचवाओगे स्लेट लेकर, उसे ईमेल आईडी पे क्या करो, सेव करके उस फोटो को भी रखना। इतना जरूर अपने समझदारी का, मतलब अपने माइंड का यूज़ किया करो, ठीक है, इतना जरूर काम करना। इसके बाद गाइस देखो, थर्ड तो हमारा ये हो गया इंस्ट्रक्शन। फोर्थ नंबर देखो, कलर प्रिंट जो है हमारा क्या होना चाहिए, देखो, कलर प्रिंट आउट ऑफ ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोडेड एट कंप्लीशन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। देखो गाइस, अब फेज टू में एक चीज और लेके जाना होता है आपको, पता है क्या, जब आप क्या करते हो, फॉर्म फिल कराने जाते हो, वो लोग प्रिंट करके देते हैं या नहीं भी देते हैं, ठीक है, जनरली अगर अपने से करते हो तो आप लोग प्रिंट नहीं कराते हो, बट जब फॉर्म फिल होने के बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हमारा जब कंप्लीट हो जाता है, हम पेमेंट वगैरह कर देते हैं, तो उस पे जो है ना पेमेंट का जो ट्रांजेक्शन आईडी भी लिखा होता है, उसका बड़ा काम आता है बाद में, ठीक है, तो उसको जो है आप कलर प्रिंट करा के रख लेना और एक ईमेल आईडी पे सेव करके रख देना, इतना काम करना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कलर प्रिंट आउट होना चाहिए ड्यूली फील्ड, ठीक है, ये ड्यूली का मतलब डबल नहीं होता है, ठीक है ना, ये बस बोल रहा है कि उसका कलर प्रिंट करके आपको रखना होगा, जो फॉर्म फिल करते टाइम, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते टाइम जो हमें मिलता है, उसे ब्लैक एंड व्हाइट मत प्रिंट कराना, कलर प्रिंट करवाना, एक चीज़ ध्यान रखना, और प्रिंट कराने के साथ साथ अपने ईमेल आईडी पे भी सेव करवाना। अरे 5-10 रुपये ज़्यादा लगेंगे ना, अगर मान लो तुम्हारा फेज़ वन क्लियर हो गया फिर फेज टू पे परेशान हो जाओगे 5-10 रुपये की वजह से, तो इन सब चीज़ों में कंजूसी मत करना। कुछ लोग होते हैं जो कंजूसी कर देते हैं छोटी छोटी चीज़ों में, बाद में उन्हें परेशानियों का सामना करना होगा, ठीक है। तो ये हमारा इंस्ट्रक्शन नंबर 5 हो गया। तो इतने इंस्ट्रक्शन थे जो आपकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, और बाद में जो होता है ना, जो आप उस पर ईमेल आईडी दोगे, उस ईमेल आईडी को ध्यान में रखना, बिकॉज आपको रिजल्ट जब आ जाएगा तो आपका जो ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी आपको डालना होगा, उसके बाद आपको जो सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड जो आप लोग चेंज करवाओगे ना उससे, उस पासवर्ड को डालना होगा। तो यहाँ पे सभी, जैसे मैंने शुरू से वीडियो को बताया, जो जो पासवर्ड सेव कर, पासवर्ड चेंज करा के रखने के लिए लिख के, ठीक है, फॉर्म फिल होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद जो आपको प्रिंट आउट होगा उसके कलर प्रिंट कराना, और इसे ईमेल आईडी पे भी रखवाना, क्लियर। अब जो 8 फोटोग्राफ्स तो आपको फेज टू में लग जाते हैं, 1 या 2 आपको फेज वन में लग जाते हैं, कम से कम 10 से 12 आपको प्रिंट करवाना है, और एक फोटोग्राफ जो है आपको क्या कराना है, आपको ईमेल आईडी पर सेव करके रख लेना है। ये थी आपकी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें, और आपका जो यहाँ पे आपको क्लियर दिख गया होगा फोटोग्राफ कैसा होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, फोटोग्राफ आपका जो बैकग्राउंड वगैरह जो भी होना चाहिए आपका, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। सो अब इसमें कुछ भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है फॉर्म फिल करने के लिए, ठीक है, बाकी एग्जाम से रिलेटेड तो बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन फॉर्म फिल करते टाइम इन सभी चीज़ों को आप ध्यान में रखना। बाकी देखो, फॉर्म फिल करने के बाद अपना आधार नंबर तो आपको देना होता है ना, आधार कार्ड पे जो भी आपके फादर्स नेम, आपका नेम में कुछ भी गड़बड़ी हो, कुछ भी इरर हो, कुछ भी करेक्शन कराना हो, आप लोग अच्छे से फेज़ वन के एग्ज़ाम से पहले सुधरवा के रख लेना, फिर काम आएगा, सुधर जाता है, ठीक है ना। चलो गुड बाय। अगर मेरी वीडियो को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, बातों को समझ में आया तो लाइक करना, ठीक है ना, और नहीं समझ में आया तो फिर अच्छी बात है। चलो गुड बाय।